जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाली हूँ मराठी स्पेशल मेकअप, वो भी गुड़ी पड़वा पूजा के लिए। इसमें मैंने काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट को यूज़ किया है। ना मैंने इसमें फाउंडेशन यूज़ किया है, ना कंसीलर। और आप देखोगे कि किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप आप लोगों को सिखाया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी इस मेकअप को ज़रूर क्रिएट करना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप अपने पिक्स को शेयर कर सकते हो। और चलिए हम जल्दी से आप वीडियो देख लेते हैं। हमने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अब मैंने यहाँ पर जॉविस का रोज़ टोनर स्प्रे किया है अपने पूरे फेस पर, क्योंकि समर आ चुका है तो टोनर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप किसी भी तरीके का मेकअप करें। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। जब मुझे लाइट मेकअप चाहिए होता है या मुझे हाई कवरेज नहीं चाहिए होता है, तब मैं हमेशा पॉन्ड्स की बीबी क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। और इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आप डॉट डॉट करके अप्लाई कर लीजिए। जैसे भी हम किसी भी क्रीम को अप्लाई करते हैं, सेम इसी तरीके से आप डॉटर करके अप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का हेल्प नहीं ले रही हूँ अपने बीबी क्रीम को ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि बीबी क्रीम अपने आप में बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है। इसलिए जब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो और घर में पूजा हो या कुछ हो, तो आप इस तरीके से अपने फिंगर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन समर्स। तो इस तरीके से मैं पूरे फेस पर कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर लूँ। उप्स, गिर गया। और अब मैं यहाँ पर आई शेडो के लिए ये ब्राउन कलर का आई शेडो है शिमर, वो पिक करूँगी। मैं यहाँ पर केवल एक ही आई शेडो लगा रही हूँ अपनी फिंगर टिप की हेल्प से, और आप देखेंगे कि बस मैं अपनी आई लिड पर अप्लाई करूँगी ये आई शेडो, दैट्स इट। और कोई भी आई शेडो नहीं लगा रही। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरीके की ट्रिक्स को अपना सकते हैं और अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। और दोस्तों, आईलाइनर मैं यहाँ पर स्टे क्विर्की का अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस वाले आईलाइनर को ले सकते हैं, क्योंकि ये आईलाइनर की खासियत ये है कि इसका जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है, तो आपका जो आईलाइनर है वो इधर उधर नहीं भागता है, सीधे पॉइंट पर लगता है। और अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सेम अब मैं दूसरी आईज पर भी इसी तरीके से आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। दोस्तों, आईलाइनर मेरा बहुत ही स्मूथली लग चुका है, और अब मैं अप्लाई करूंगी काजल। काजल मैं यहाँ नायका का यूज़ कर रही हूँ, वाटरप्रूफ काजल है। दोस्तों, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप काजल ढूंढ रहे हो तो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा काजल है दोस्तों। और इट्स टाइम टू ब्लश, और ब्लश के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्लशर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। पिंक कलर का ब्लशर है ये, और आप देख रहे हो कि मैं ना तो कोई ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, मैं केवल अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ब्लशर को अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब दोस्तों, टाइम है लिपस्टिक को अप्लाई करने का। लिपस्टिक मैं यहाँ पे स्टे क्विर्की की लगा रही हूँ, और इसका की शेड नंबर है 5 कलर गोल्स। लिक्विड लिपस्टिक्स में मेरे ये फेवरेट शेड्स हो गए हैं स्टे क्विर्की के लिक्विड लिपस्टिक, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम वियरिंग ग्रीन बैंगल्स, चूँकि मराठी इसमें ग्रीन बैंगल्स की बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन बैंगल्स को ही पहना है। और अब मैं यहाँ पर नोज़ रिंग को पहन रही हूँ, और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड येस, दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस, एंड माई डॉटर वांट टू से समथिंग, प्लीज़ लिसन टू हर। आज मम्मा का वीडियो अच्छा लगे तो सरप्राइज करना वीडियो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।